वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपी में एनटीए की हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पे आपका स्वागत है। आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ अपने चैनल की उपलब्धियां बताना चाहता हूं। आवर डिजिटल लाइब्रेरी, आखिर ये क्या प्लेटफॉर्म है, इसमें क्या क्या चीजें अपलोड होती हैं? तो इसके दो सेक्शन है, एक जो आपका टोटली बीएमएस प्लस अदर एलोपैथी, जैसे मतलब बीएमएस के पूरे आपको आयुर्वेद वाली पूरी वीडियोस मिलेंगी, प्लस जिसमें जिससे आप एआईए पीजीटी की तैयारी कर सकते हैं, साथ ही साथ एनसीआईएसएम प्लस एनसीआईएसएम में भी जो अभी इलेक्टिव सब्जेक्ट आए हैं उससे रिलेटेड अपडेट, और प्लस आपको आगे आयुर्वेद में क्या कर सकते हैं, जैसे आपका चिकित्साएं, जैसे जो आप बोल सकते हैं नेचुरोपैथी करते अपन, या आयुर्वेद से कैसे अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे अग्निकर्म हो गया, विद्ध कर्म हो गया, जैसे आप जलौका कैसे लगाएंगे, तो इन सबकी आपको जनरल वीडियोज मिल जाएगी। एलोपैथी में क्या बोला, एलोपैथी में किसमें आपको मॉडर्न मिल जाएगी टोटल। वो मॉडर्न सिर्फ बीएमएस में काम नहीं आएगी, मॉडर्न एमबीबीएस करना हो, बीडीएस करना हो, बीएचएमएस करना हो, बीएससी नर्सिंग करना हो, और एक्सेट्रा, मतलब पोस्ट बेसिक बीएससी में। तो ये पूरी वीडियो किसकी रिलेटेड है, एक पार्ट हमारा चैनल का किस पे है, पूरा पढ़ाई पे। दूसरा अपडेट सेक्शन, अब अपडेट भी कितने प्रकार की आपको मिलेगी देखिए। सबसे पहले एक आपको न्यूज पेपर की कटिंग मिलेगी, दूसरा आपको एनटीए की अपडेट मिलेगी। एनटीए में कौन सी, नीट की हम अलग काउंसलिंग करा रहे हैं, नीट में नीट की काउंसलिंग, ये भी एनटीए के अंदर ही आता है, लेकिन हम नीट की भी पूरी काउंसलिंग करा रहे हैं। साथ ही साथ एनटीए में जैसे आपका सीयूईटी हो गया, जैसे आपको टीचर का कुछ कुछ भी वैकेंसी निकली, या एनटीए जो भी एग्जाम कराता है वो मिल जाएगी। फिर इसके बाद आता है एमपी मेस्यू, जो हमारे चैनल के एमपी मेस्यू के एग्जाम कब होगी, रिजल्ट कब आएगा, और सारी अपडेट। तो ये टोटल हमारा चैनल इस पे काम करता है। तो इसके अलावा हम सरकारी नौकरी भी चालू करने वाले हैं, गवर्नमेंट जॉब्स भी, गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड भी आपको अपडेट मिलेगी। अभी जैसे घोटाला हुआ उसके रिलेटेड हमने अपडेट दिया, सारी प्लेलिस्ट अपडेटेड है। और जो बच्चे दूसरे पैथी के, अगर वो सोचे नहीं ये सिर्फ बीएमएस की आयुर्वेद आयुर्वेद वीडियो, ऐसा नहीं है, आपको आयुर्वेद की वीडियो मिलेगी, एलोपैथी मिलेगी, अपडेट भी मिलेगा, न्यूज़पेपर कटिंग भी मिलेगी, घोटाले हैं घोटाले मिलेंगे, एमपीएमसी की हो चाहे पटवारी की हो, सब कुछ मिलेगा। तो ये मैंने शुरुआत करी अपने चैनल को बताने के बारे में, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं सर पूछते रहते, सर चैनल ये आवर डिजिटल लाइब्रेरी किस किस लिए बनाया गया, क्या इसका बेसिस है, ये सारी इसकी जानकारी थी। आज का वीडियो काफी क्रूशियल क्यों है, क्योंकि कई लोग के बच्चों के जो नर्सिंग बच्चे हैं या अदर भी, मैं नर्सिंग एंड पैरामेडिकल बोल रहा हूं, क्यों, इनके लिए खास होने वाला है। क्योंकि जो दूसरे बच्चे हैं उनका तो कैरियर है, क्या कैरियर है कि उनके अगर कोई एमबीबीएस कर रहा है तो कर लेगा, कोई बीडीएस कर रहा है तो कर लेगा, कोई बीएमएस कर रहा है तो कर लेगा, कोई आयुष कर लेगा, लेकिन नर्सिंग पैरामेडिकल की आज ये हालत है। हम 700 नर्सिंग प्लस कॉलेज मध्य प्रदेश में हैं, तो कब कौन सा कॉलेज की मान्यता चले जाए कोई नहीं जानेगा, साथ ही साथ पैरामेडिकल के साथ भी है। तो सर आप कहना क्या चाहते हो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपको एडमिशन वही लेना चाहिए जिसकी प्रमाणिकता हो, जो सरकारी कॉलेज हो। सर आप क्या कहना चाहते हो, मतलब अगर आपको आप नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हो या पैरामेडिकल में, तो आपको ये बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो या तो गवर्नमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट हो। मतलब सर क्या सेमी गवर्नमेंट, मतलब या तो उसका संचालन है या जो उसका कोर्स अफिलिएटेड है वो गवर्नमेंट हो, प्लस उसका जो फी स्ट्रक्चर हो वो प्राइवेट हो, मतलब दोनों चलेगा, या तो फी स्ट्रक्चर गवर्नमेंट हो उसकी पढ़ाइयां। तो ऐसे जगह पे अगर आप एडमिशन लोगे तो जो 700 कॉलेज हैं आपके जिसकी मान्यता भी तय भी नहीं है, जो 27 जुलाई को आने वाले हेयरिंग में क्लियर होगा, क्या आपके कॉलेज रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, मान्यता रहेगी, या वो जो आप स्टूडेंट हो कि इनरोलमेंट रहेगी, मतलब बच्चों पे भी समस्या है, कॉलेज और कॉलेज संस्थानों पर भी समस्या है, क्योंकि जो दलाल हैं जो दलाली करते हैं वो अपने 10-20 हज़ार रुपए के चक्कर में आपका भविष्य बर्बाद करें, आपके लाखों रुपए एडमिशन के दिलवा रहे, पता चला वही खुद ही भाग जाए। कई ऐसे मेरे पास फोन आ रहे, सर हमारे मान्यता रद्द हो गई कॉलेज की, हमें क्या करना चाहिए, हमें कहाँ एडमिशन लेना चाहिए। तो इसी रिलेटेड में आज का ये वीडियो बनाने वाला हूं,
तो वीडियो ध्यान से समझिए, क्योंकि आज का वीडियो जिन बच्चों की मान्यता खत्म हो गई है उनको क्या करना चाहिए वो समझिए। तो आप सभी के लिए मैंने कोर्स पता किया है जो बेस्ट कोर्स है। कौन सा कोर्स है वो? अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय शासकीय, ध्यान रखिए शासकीय हिंदी विश्वविद्यालय। इसका नाम अभी तक जिन बच्चों ने नहीं सुना हो तो वो सुन ले, और जो सुने होंगे उनके लिए तो अच्छा है ही कि वो सुन चुके हैं। तो अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय ये कहां संचालित होता है? भोपाल संचालित होता है। सर इसका क्या है, इससे क्या फायदा होगा कि एक तो ये शासकीय मतलब ये गवर्नमेंट के द्वारा इसका काम चलता है, इसकी पूरी जो प्रोग्रामिंग है, जो स्ट्रक्चर है, फी स्ट्रक्चर है, प्लस जो आपकी पढ़ाई पूरी गवर्नमेंट उसको करती है। और इसका एक सेंटर जो अब एक सेंटर जो डॉक्टर आर डी पांडे जी सेंटर ले रखे हैं, जो अपने चैनल के काफी विश्वसनीय व्यक्ति हैं और हमारे पिताजी भी हैं साथ ही साथ। तो मैं आपको क्लियर करता हूं कि जो हमारा सेंटर कोड है वो क्या है, अध्ययन केंद्र कितना है 469। ये विशेष बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब भी आप अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल से जो संचालित होता है, जिसके डायरेक्टर डॉक्टर आर डी पांडे जी, उनका जो अध्ययन केंद्र है वो 469, क्योंकि ऐसे बहुत अध्ययन केंद्र है, लेकिन जो विश्वसनीय है, जिसकी मान्यता है, कल को किसी दिक्कत नहीं है, इसके लिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट क्यों समझिए, रोजगार स्वरोजगार एवं चिकित्सा कार्य कर रहे 12वीं स्नातकोत्तर पास विद्यार्थी हेतु मध्य प्रदेश शासन का अनुष्ठा पहल है, मतलब मध्य प्रदेश शासन ने इसे चालू किया है। अब इसमें कराते क्या क्या है, तो पहला कराते क्या है मैं पूरी डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले इसमें हम करा क्या कह रहे हैं, इस सबसे पहले आपका है पीजी डिप्लोमा इन बेसिक हेल्थ केयर। तो जो आधारभूत स्वास्थ्य संरक्षण है इसके लिए योग्यता क्या क्या है, आपको स्नातक, आपका यूजी कोर्स होना चाहिए किसी भी, और कोई से भी किसी भी यूजी मतलब कोई किसी चीज से भी आप यूजी किए होंगे तब तो आप पीजी करोगे, पहली बात। दूसरी बात, आपका जो योग्यता होना चाहिए वो यूजी किससे होना चाहिए, बायोलॉजी से, मतलब 12th आप बायोलॉजी से होना चाहिए, है ना। दूसरा, ये कोर्सेज हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में चलते हैं, ठीक है। तो पहला कोर्स क्या बताया मैंने, पीजी का। दूसरा, ये स्नातोत्तर पत्र उपाधि है, स्नातोत्तर पत्र उपाधि है। फिर आता है पत्र उपाधि मतलब यूजी कोर्सेज कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले क्या है यूजी में कौन कौन से कोर्स हैं, डिप्लोमा इन बेसिक हेल्थ केयर। इसके लिए क्या पात्रता होगी सर, तो पात्रता इसके लिए है 12वीं में किसी भी सब्जेक्ट से आप 12वीं की हो, एनी सब्जेक्ट, पहली पात्रता। दूसरी, ये एक वर्ष का कोर्स है और इसमें आयु का कोई बंधन नहीं है, मतलब किसी भी उम्र में इस कोर्स को कर सकते हैं, सेम टू सेम इधर भी है, ये एक वर्ष का कोर्स है और इसके लिए आयु बंधन नहीं है। फिर आता है तीसरा, डिप्लोमा इन फर्स्ट एड कोर्स है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, जो लोग फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, मतलब इसके कोर्स करना चाहते हैं, इनके लिए क्या पात्रता है, आपके लिए 12वीं किसी भी सब्जेक्ट से होनी चाहिए, सेम टू सेम 12वीं किसी भी सब्जेक्ट से हो और आयु एक वर्ष का, मतलब एक वर्ष का कोर्स है। फिर चौथा कोर्स क्या है अपने पास, डिप्लोमा इन योगा एंड नेचुरोपैथी, जो योगा नेचुरोपैथी से डिप्लोमा करना चाहते हैं उसके लिए भी ये सेम टू सेम है, किसी भी सब्जेक्ट से आप 12th पास किए हो और एक वर्ष आयु होना चाहिए, मतलब इसके लिए आपको पीजी करने के लिए आप बायोसेटेड होने चाहिए। पांचवा, जो डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, दूसरा कोर्स हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए क्या चाहिए, 12वीं किसी भी सब्जेक्ट से हो और एक वर्ष बंधन हो, सेम टू सेम। और लास्ट, जो अभी बहुत पेटेंट चल रहा है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोपैथ, ठीक है, इसके लिए भी एक वर्ष का कोर्स है। अब सर आप सोच रहे हो, मतलब बच्चे
ये सर आप इतने सारे कोर्सेज बता रहे हो, जैसे डिप्लोमा इन बेसिक हेल्थ केयर, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, योगा नेचुरोपैथी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इलेक्ट्रोपैथ, तो सर इसका हमको फायदा क्या है? इससे फायदा है कि आप H1 शेड्यूल दवा छोड़ करके आप खुद की क्लिनिक खोल सकते हो, पूरी दवा लिख सकते हो। अभी तक ऐसा है कोई, जैसे आयुष डॉक्टर एग्जाम्पल दे रहा हूं, आयुष को कुछ राज्यों में तो मान्यता है कि वो एलोपैथी दवा लिख सकती है, कहीं मान्यता है कि नहीं लिख सकती है, कुछ राज्यों में मान्यता दे दी, कुछ राज्यों में नहीं दी है। कुछ ऐसे नर्सिंग के लोग हैं जो खुद की क्लिनिक सेटअप नहीं कर सकते, उनके लिए अगर ये कोर्स वो करते हैं, क्योंकि ये शासकीय कोर्स है, इसका संचालन शासकीय मध्य प्रदेश शासन करता है, इसीलिए आपको कम पैसों में, आप पूछते हो सर इसकी फीस कितनी है, तो आप कोई भी कोर्स करो आपको मात्र 25,000 रुपए देने हैं, और ऐसा नहीं कि एक बार में देने, चार बार, इसकी चार स्लॉटें हो सकती हैं। अब अभी तक चार थी, हो सकता है कल को आपको दो स्लॉट में देनी पड़े, तो ये आप मान के चलो, आप चाहो तो एक बार में भी दे सको, अगर आपको चाहते हो एक बार 25,000 देना हो एक बार में दे दो, दो बार में दो बार में दे दो, चार बार में देना हो चार बार में दे दो। तो ये मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी। अगर आपको कॉन्टेक्ट करना है तो मैं स्पेशल नंबर आपको लिख दे रहा हूं बोर्ड पे, इस कोर्स रिलेटेड अगर आपको एडमिशन कराना है तो इन नंबर पे आप संपर्क करें, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जो मुझसे कई बार पूछ, सर कहां एडमिशन लेना चाहिए, 9425390895, ये साथ 9981269012, तो ये दोनों नंबर हैं डॉक्टर आर डी पांडे जी का, जो इसका संचालन करते हैं, जो एक केंद्र चला रहे हैं 469, इनसे आप फोन लगा करके सारी जानकारी ले सकते हैं, सर मेरे को एडमिशन लेना है, जो भी आपको प्रोसीजर है। बाकी प्रवेश अभी प्रारंभ है, एडमिशन ओपन है और लिमिटेड सीट है, मात्र एडमिशन ओपन है और सिर्फ लिमिटेड सीट्स हैं। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, इन पांचों कोर्सों में से जिस भी कोर्स को आपको ज्वाइन करना है, फीस 25,000 है, मुझे नहीं लगता है कि 25,000 में कोई इतना कोर्स करा करके देगा, ये बेस्ट है। अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि क्या सर इस पे विश्वास कर सकते हैं, क्या इसकी मान्यता है, तो जी हाँ इसकी सरकारी मान्यता है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोग एडमिशन लीजिए। बाकी आपको पर्सनल डिटेल, सर क्या कॉलेज आना पड़ेगा, क्या सर हम इसे ओपनली कर सकते हैं, क्या हम घर बैठ करके भी कर सकते हैं, या जो भी सर है प्रैक्टिकल में आना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, ये सारी जानकारी आपको फोन कॉल पे मिलेगी, तो कॉन्टेक्ट जरूर करें। और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आवर डिजिटल लाइव को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की जो एडमिशन प्रोसीजर के लिए भी हम नीट की काउंसलिंग करा रहे हैं, उससे भी आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको डीम्ड कॉलेज चाहिए या फिर आपको BHU के कॉलेज चाहिए 12th पास होने के बाद, तो इसके लिए भी हम आपके लिए CUET के माध्यम से काउंसलिंग कराएंगे। धन्यवाद।